आज मैं आपको हरी धनिया की चटनी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए हरी धनिया, दो लहसुन टुकड़ों में कटा हुआ, दो हरी मिर्च जिसको भी हमने टुकड़ों में काट लिया है, 1 चम्मच जीरा, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वादानुसार और पानी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी के जार में धनिया डालेंगे। लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, अमचूर पाउडर या खटाई, नमक स्वादानुसार और पानी डालेंगे। बहुत पतली चटनी नहीं करनी है, इसलिए पानी करीब 1 से 2 चम्मच ही डालेंगे। अगर पीसने में दिक्कत हो रही है तो आप पानी थोड़ा और डाल सकते हैं। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए, मिक्सी में पीसने के बाद हमारी धनिया की चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप पकौड़े के साथ, चाट या सैंडविच में, दावेली में, किसी के साथ भी लगा करके इसको इसका आनंद ले सकते हैं।